लॉन्च इवेंट पर एंड लेट मी टेल यू कि ये जो है आई एम श्योर आप लोगों ने सबने वीडियो देखा है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए कैसे लगा आप सब लोगों को वीडियो। सो सीताराम जी, आपको पहला जो रिस्पांस है कैसे लगा, सब लोग प्लीज बताइए सर को कैसे लगा आप लोगों को वीडियो, एक नंबर। सो देखो सर, पहला रिस्पांस आपको यहाँ से तो मिल ही गया है, तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप अगर थोड़ा बहुत इस वीडियो के बारे में बताएंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कुछ भी सर। Let's do it. नहीं था मुझे vibe, I like the vibe. And I like the videos concept as well. Here's the guy. Shravan, everyone. And मैंने अभी तीनों गाने देखे हैं, बहुत खूबसूरत शूट हुए हैं, लिरिकली बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल शॉट, दे वेरी वेल संग एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आपने अच्छा एग्जॉटिक लोकेशन दुबई में कैप्चर किए हैं एंड टू द सिंगर्स गिरी एंड हर्षल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। हर्षल चौहान, कहते हैं कि यू नो कि जब खुश होता है ना ऊपर वाला तो आपको अच्छा घर देता है, अच्छी गाड़ी देता है, अच्छी बीवी देता है, यू नो अच्छी लाइफ देता है, लेकिन जब वो दिल से खुश होता है ना तो माँ सरस्वती का वरदान इंसान के आवाज में आता है एंड उनको वो नसीब होता है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो नसीब, अच्छा जो नसीब होता है लुक वहाँ को होना चाहिए, सवाल बिल्कुल बैठ सवाल सुन ले पहले, फिर लुक वहाँ जाएगा फिर। हाँ फिर और जब वो बहुत दिल से खुश होता है तो बहुत अच्छी आवाज देता है और किसी किसी को ही देता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आपके इन तीनों म्यूजिक वीडियोस के बारे में एंड आपका एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक ये जो हमने देखा इतना खूबसूरत लगा एंड आई एम श्योर कि आज की जो जनरेशन है सारी जनरेशन से काफी रिलेट कर पाएंगे। राइट राइट। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक सीताराम सर जो जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। हम लोग बैठे थे, हमने उनको गाना सुनाया एंड वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि हम ऐसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, देन श्रवण केम अप विद द विजुअल्स, सो इट वॉज जस्ट अ वाइब। तो जैसे कि मैम ने बोला कि सरस्वती माँ के बारे में जो आप बात कर रहे थे, तो आवाज़ के बारे में, आवाज़ तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, बट उससे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आसपास आपके अच्छे लोगों का होना एंड बीइंग सराउंडेड विद सीताराम जी, आइडिया बूस्टर्स, हर्षित भाई, अरबाज सर, बट ऑफकोर्स सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। और गाने का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप लोग गाना देखो पहले और आप लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि कैसा दिख रहा है गाना। हमको तो बहुत मज़ा है, हर्षित भाई किल्ड इट, बट ऑफकोर्स श्रवण किल्ड इट, श्रवण ने पूरा विजुअल्स इस तरीके से किया है कि इट शुड रियली लुक इंटरनेशनल। मतलब हम दुबई में आई डोंट नो, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज इट्स रियली गुड। थैंक यू टू श्रवण, थैंक यू टू हर्षित भाई, अरबाज सर, सीताराम सर, आइडिया बूस्टर्स, पीयूष, उर्वशी एंड एवरीबडी हू इज अ पार्ट ऑफ दिस। तीनों गाने लॉन्च हुए, तीनों का अलग मोड है, एक में बेवफाई है तो एक में रोमांस है, एक डांसिंग नंबर्स है, तो किस तरह से प्लान किया था आपने इस एल्बम को लेकर? सर प्लानिंग ऐसा था कि ये लाइफ का सर्कल है सर, शुरू प्यार होता है, प्यार से शुरू हुआ, फिर बीच में थोड़ा बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर एंड तो पता ही क्या है, दगा। पहले लास्ट में बेवफाई तो फिक्स है ही, वो तो मतलब दैट इज हिस्ट्री। अरबाज सर ऑल द वेरी बेस्ट, दे वर्क वेरी हार्ड एंड बहुत अच्छा लगा। आई थिंक द म्यूजिक इज़ वेरी गुड एंड इज़ बीन पिक्चराइज वेरी वेल एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ गुड प्रोड्यूसर टू बैक यू नो अ टैलेंट लाइक दिस एंड ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब एंड आई एम श्योर दैट दिस सॉन्ग्स आर ऑल गोइंग टू बिकम वेरी वेरी बिग हिट एंड विल बिकम अ रेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हमने सुना आप भी रैपर भी हैं, तो एज अ रैपर का आपका सॉन्ग है? अच्छा आप भी रैपर हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। तो इट्स ऑल नो इट्स अंडर प्रोसेस, आई एम एक्चुअली राइटिंग इट, आई एम स्टार्टिंग समथिंग जो कि धीरे धीरे जल्दी आप सबको दिखेगा कि कैसे आ रहे हैं। अभी फिलहाल हम इनके बारे में बात करते हैं, विल श्योरली टॉक अबाउट दैट एज वेल इन द नेक्स्ट इवेंट। या अरबाज सर एक सवाल आपसे है, फिल्म हो या नहीं, आपसे फिल्म हो या गाने हो, सवाल इस तरह से है, जब बेवफाई होती है दिल टूटता है या गाने हिट होते हैं, तो इस तरह के गाने बहुत हिट
तो आपको क्या लगता है कि दिल टूटना कितना जरूरी है आपके अंदर, वो पावर वो ताकत आनी चाहिए कि ऑडियंस आपके तरफ खींचे चले आए? कहीं ना कहीं दुख दर्द में लोग बहुत आपसे लगाव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जब इस तरह के गाने बनते हैं। क्या कारण मानते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होते हैं? जवाब का टाइम ही नहीं दे रहे और गम, वो खुद गम में अटके हुए हैं। आपकी के पास आंसर है इसका, मेरे पास तो यही है। अभी मैंने आपको छोड़ दिया, अभी आप जाइए। आई थिंक गाने हर मिजाज के अच्छे होते हैं। सेलिब्रेशन सॉन्ग्स आर देयर, द हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, देयर आर यू नो फेस्टिव सॉन्ग्स, सो एवरी सॉन्ग इज गुड। एंड आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड व्हाटएवर इट टचेस यू वर्क्स। So there is nothing that ke ek particular emotion ke upar hi aap gaane banaoge to hi chalega. So I think they've got a variety of emotions in this, you know, so it works on that level. Baki that's it. Nahi hai. Acha, jo Dubai ka location shoot kiya gaya, bahut khoobsurat gaane lag rahe the, uske baare mein kuch batayenge aapko? Visually kitne acche lage? Bahut acha, because Dubai as it is a great place to be. I enjoy going over there for my vacations and all that stuff. It's like a home away from home. And so to use that location and shoot it well, it was very good. I think they've done a great job. He's the guy. Shravan is here. Shravan is the guy. It's only because of him, because of Shravan. You know, shot the Dubai very well, and I think that's great. Thank you so much, sir. Thank you so much. क्या future में हम आपको भी किसी music video में या filmों में act करते हुए perform करते हैं? मैं सोचा acting करें थोड़ा शुरू कर देता हूँ। मैं acting सोच रहा हूँ आगे future में मैं थोड़ा acting करूँ। और फिर पिक्चर भी प्रोड्यूस करूंगी, दबंग जैसी पिक्चर भी प्रोड्यूस करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू। आपका अवार्ड पक्का। तनाव नाम का आपका एक फिल्म आया है जी, तनाव करके एक वेब सीरीज, हां भी आ रही है। हां, तो उसका सेकंड सीजन आ रहा है एंड यू नो सो अपना अप्लॉज फिल्म्स का प्रोडक्शन है एंड so it's coming, second season is coming and we're looking forward to, I think this week only is coming, September ke first week mein aa raha hai. And audience are eager to watch the Dabang, of course. Yeah, so we're working on it, yeah, hopefully soon. Yeah, thank you. Thank you. Sir, team song ka launch hai, silent please. कितना बड़ा लॉन्च है, गिरी सर है, श्रीवंत सर है, इतना मेहनत करके दुबई में गाना शूट किया है, ऊपर से यहाँ बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो कैसा फील कर रहा है तीन सॉन्ग के लॉन्च में आप आए हैं? गिरी जी आपके साथ ही थोड़ा सा बताइए। देखिए, गिरी जी इज़ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। एज आई नो कि आप दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए एंड आपके गाने का नाम है बिलबोर्ड। Yes. मतलब वो बिलबोर्ड पे आना कौन नहीं चाहता है? मैं चाहता हूँ, राखी सावंत, ऐश्वर्या राय, सब लोग बिलबोर्ड पे आना चाहते हैं। बिलबोर्ड के बादशाह यहीं पर है। So I think everyone wants to be on billboard and yes, आपका सॉन्ग मैंने देखा, it was very nice as always and आपका work hard always I think सब लोग praise करते हैं। सर ये तो हो गया, इतनी मेहनत बहुत से लोग करते हैं but बहुत से लोग deserving नहीं होते, मेहनत करके भी result देते हैं। अभी 80% लोग कह रहे हैं कि जो Bigg Boss Party के winner है सलमान मकबूल deserving नहीं है, तो ईशान क्या कहना चाहते हैं कि उसके बारे में वो deserving है नहीं है, या जो अंदर controversy हो रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है family show में, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबका आई थिंक अपना अपना राय है और अपना अपना नजरिया है। फॉर मी सना मकबूल इज नॉट अ डिजर्विंग विनर एंड ठीक है, थोड़ी ग्लैमरस है, थोड़ी हॉट है, थोड़ी सिलेक्टिव है, बट नॉट विनर। फॉर मी रणवीर शौरी जी एंड अरमान मलिक इज विनर, बिकॉज उन लोगों ने मेरे हिसाब से शो के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट दिया है। लोग अगर उनकी दो पत्नियों को लेकर ना कमेंट करें और शो के अंदर उन्होंने कैसा खेला था अरमान मलिक ने, सो फॉर मी दैट मैटर्स मोर। एंड रणवीर शौरी जी ने बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से गेम खेला था, सो आई थिंक शो के अंदर किसका कितना कंट्रीब्यूशन मैं उस तरीके से देखता हूँ। सर, कुछ सरप्राइजिंग हुआ बिग बॉस OTT में, विशाल नाम के कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारा गया, अगर ईशान उस जगह पे होता तो क्या रिएक्शन होता वो जनता जानना चाहती है। आप मुझे ये बताओ, आपकी बीवी आपकी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा तो आप क्या करोगे? चाटा मारा, मैं तो चाटा मारता, चाटे के साथ नाक भी मारता और बाल फाड़ देता, वो अलग से। मेरी गर्लफ्रेंड को अगर कोई इस तरीके से देखता और इस तरीके का कमेंट करता। बाकी सर आप क्या कहना चाहेंगे ईशान जी? भाई ईशान जी के बारे में, अरे भाई ईशान जी तो इधर डालेंगे का नाम आता है, ईशान जी का नाम आ जाता है, तो भाई इज द किंग, ईशान भाई इज द कंट्रोवर्सी किंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट क्या है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ, भाई है ना
भाई इज अ रियल पर्सन जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट आई मीन स्ट्रेट अप है, फेस पर है, वो कभी पीछे अलग नहीं, उनकी जो रियलिटी वो हमेशा स्क्रीन पर दिखाते हैं, दैट इज द रीजन पीपल लव हिम, उतना प्यार मिलता है। और मेरा ये मेरी ये इच्छा है कि अगला सीजन बिग बॉस का ईशान भाई होने चाहिए, बिकॉज भाई जो एंटरटेनमेंट देंगे ना वो अभी तक हमने देखा नहीं है, सो वो चीज दिखेगी, ग्लैमर दिखेगा, बोल्डनेस दिखेगा, लड़ाई दिखेगी, झगड़े दिखेंगे, प्यार दिखेगा, स्मूथ सीन भी देखने को मिल सकता है गाइस भाई। थैंक यू सो मच फॉर